अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगी। आज का हमारा वीलॉग है अ गेट वे टू हेवन नीलम वैली। ये हमारा शॉर्ट सा ट्रिप है, दो दिन का। इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त की छुट्टी थी, तो मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया कि हम लोग कश्मीर नीलम वैली का विज़िट करते हैं। हम लोगों ने नाइट स्टे किया था मुजफ़्फ़राबाद में, फिर मुजफ़्फ़राबाद से हम लोग निकले थे नीलम वैली की तरफ। नीलम वैली का रास्ता बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल साथ आपके दरिया जा रहा है, दरिया नीलम। जब आप बहुत इंजॉय करते हुए आपका ये सफ़र कटता है। ये रास्ते में आता है धानी वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, उसका पानी भी बहुत ठंडा है। यहाँ हम लोग रुके थे नहाने के लिए। इस ठंडे पानी से नहा के बंदा बहुत फ्रेश हो जाता है, स्पेशली जब आप गर्म इलाके से आ रहे हो या लंबा सफ़र कर रहे हो, तो इस तरह के स्टॉप से आप नहा के काफ़ी फ्रेश हो जाते हो। ये पानी की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत लगती है जब पानी गिर रहा होता है पत्थर पे। अब ये नेक्स्ट वाटरफॉल आती है, इसको कुंडल शाही और या कॉटन वाटरफॉल भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा इसका बीच में एक स्पॉट आता है, कच्चा रास्ता है। इस मुकाम पे हम लोगों ने, इस वाटरफॉल के पास हम लोगों ने पकोड़े और चाय खाई, क्योंकि एक तो मौसम का भी डिमांड थी और एक जगह की भी डिमांड थी कि पकोड़े और चाय खा जाए। नीलम वैली का रास्ता बहुत खूबसूरत है, इसके रास्ते में बहुत से वाटरफॉल आबशार आपको नज़र आएंगे, आप रास्ते को इंजॉय करते हैं। ये एक और वाटरफॉल रास्ते में आया था, इधर हम लोगों ने स्टे किया। हमने नाइट स्टे किया था केरान के मुकाम पे। वहाँ 13 अगस्त की रात को वो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की उन्होंने फायरवर्क से, और एक छोटा सा इवेंट हुआ। इट वाज अ गुड फायरवर्क। जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे सब ने इस फायरवर्क को एंजॉय किया। इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में भरपूर तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारा रूम का जो व्यू था उसके बिल्कुल बाहर दरिया नीलम था और क्रॉस था दरिया इंडिया था, क्योंकि ये जो आपका दरिया है ये LOC है। आप देख सकते हैं कि वो सामने इंडियन फ्लैग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।